हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं दही बड़े बनाऊंगी। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगे। ये जो दही बड़े बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सब मैं रेडी करके रखी हूँ। ये उड़द के दाल हैं। उड़द के दाल मैं तीन चार घंटे नहीं, कम से कम 5 घंटे पहले भिगो के रखी थी। इसको पानी से निकाल ली हूँ साफ़ करके। ये हो गया हींग हो गया, इसमें हींग लगेगा। और ये अदरक है, और ये हरी मिर्च है, और ये नमक, और ये दही, इतना ही लगेगा। जो उड़द के दाल हैं, अब मैं इसको जार में डाल रही हूँ। जार में डाल को इसको पेस्ट बनाऊँगी। पेस्ट बनाने के बाद तब इसको दही बड़े बनेगा। इसमें पीसते समय इसको अदरक को मैं काट के इसमें डाल रही हूँ, इसमें डाल के पीस लूँगी। पीस लिए अब इसको हम फेंट रहे हैं। इसमें फेंटने के बाद इसमें नमक डालेंगे, और ये मिर्चा है दो काट के हरी, ऐसे ही डालेंगे खड़ा। अदरक इसलिए पीस दिए हैं कि वो दांत पर पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, कचकच करता है। अब इसमें हम हींग थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे और नमक डालेंगे। इसमें हरा मिर्च भी काट के डाल दिए हैं, और इसको खूब ऐसे फेंटना है। देखिए, इसको ऐसे पानी में डाल के देखना है कि ये ऊपर आ गया तो ये हो गया है। देखिए मैं कई सारे डाल रही हूँ। पानी में से निकाल लेना है इसको। अब इसको इससे हम पन्नी से करते हैं। इससे पन्नी ले लो तो इसमें चपकता नहीं है। इसको देखिए ऐसे करके, ऐसे पन्नी पे ऐसे करके और आप इसमें कढ़ाई लगाएंगे। फिर इसको ऐसे थोड़ा सा पानी लगा के, पन्नी के ऊपर से जल्दी जल्दी होता है, और इसको ऐसे बीच में करके, देखिए ऐसे कर देना है उसमें। फिर इसको ऐसे पानी लगा के, फिर इसको ऐसे करके हो गया। अब मेरा ये बड़े हो गया है। अभी होने के बाद मैं इसको निकाल के इसको ये ठंडे पानी, इसमें बाउल में रखी हूँ, ठंडे पानी में डालूँगी। ठंडे पानी में सॉफ्ट होता है, गर्म पानी में टाइट हो जाता है, इसलिए मैं ठंडे पानी में डाली हूँ। इसको बस 2 मिनट के बाद फिर निकाल के एक बाउल में रख दूँगी। मेरा अब दही बड़े बन के तैयार हो गया। वो पानी से मैं निकाल के इसमें रख ली हूँ। अब मैं इसमें दही वही सब मिला के अब मैं बना के आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए, अब दही में नहीं, इसलिए नहीं डाल के रख रही हूँ कि ये खट्टा हो जाता है। ये पानी से निकाल के ऐसे ही रख दी। जब खाना हो तब दही निकालिए और उसमें मिला के खाइए। अब इसमें ये मैं काला नमक मिला रही हूँ। ये काला नमक हो गया, ये चाट मसाला हो गया। बहुत लोग इमली की चटनी से भी खाते हैं, लेकिन हम खट्टा नहीं बनाई हूँ मैं। ये बस हम लोग चाट मसाला और काला नमक डाल के ही खाएंगे। और जिसको जो जो चटनी इच्छा करे, हरा धनिया की जो भी हो, मिक्स करके खा सकता है। लेकिन अब देखिए ये कैसे मेरा दही बड़े कैसे सॉफ्ट हुआ है। देखिए तोड़ के हाथ से दिखा रही हूँ, कैसे सॉफ्ट हो गया है। सॉफ्ट, टाइट नहीं है एकदम। अब उसके बाद आप अच्छा से करके आप खाइए और खिलाइए और बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फॉलो करें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।